ये पहाड़ जो आप देख रहे हो ना, ये घूमते 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 कहाँ तक जाने वाला पता है? वहाँ मुझे जाने में भी डर लग रही है। ये जो जगह है मालपा है जी जी जी। तो एक बार यार यहाँ पूरी बस्ती गांव था पूरा, वो पूरा गांव तबाह हो गया यार। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो हो सकता है कि हमें बारिश मिले खतरनाक, क्योंकि अभी हम लोग हैं गुंजी विलेज में और हमने जाना है यहाँ से धारचूला। 5-5.5 घंटे का रास्ता है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो वो क्रॉस करना है। उसके अलावा अभी अभी जस्ट उठे हैं चिकन, हेलो हेलो हेलो। तो ये आंटी के होम स्टे में रुके थे हम लोग। यार यहाँ बहुत गर्म होता है, बढ़िया मतलब बिस्तर विस्तर सारी चीज़ें हैं और मतलब पूरा पैक कर रखा है, लकड़ी का है, तो ये हमें फ़ायदा रहता है। और गर्म पानी मिल जाता है सुबह सुबह, सारी फैसिलिटी मिल जाती है, हर कोई चीज़ जो आपको चाहिए। अगर आप टेंट में रहोगे ना मज़ा तो आता है, बट ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा यार, क्योंकि जब टेम्परेचर गिरता है ना तो सब चीज़ फ्रीज हो जाती है, तो तब आप लोगों को दिक्कत होगी। ब्रेकफास्ट बना रहे हो आंटी? ये आंटी का किचन है, ब्रेकफास्ट बना रही है आंटी। आंटी और इधर है हमारा डाइनिंग हॉल प्लस दुकान, जहाँ से आप सामान ले सकते हैं। जूते और जीन्स सुखाने की एक निंजा टेक्निक अपनाई है मैंने। यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ जूते, और ये रखी है मैंने, इसके अंदर हो रहा है गर्म पानी, और ये रखी है जीन्स। अब देखो कैसा भाप उड़ रहा है इसे, ये सूख जाएगी तुरंत। गुंजी बाय करने का टाइम आ गया है, टाइम हो गया 10। पानी की बहुत किल्लत है यार यहाँ, बहुत ज़्यादा। बोल रहे हैं कि कभी ग्रिप वाले दे देते हैं, सांस लग गई मेरी, या फिर ये लोग अपनी गाड़ी से लेके आते हैं, तो गुंजी में पानी की दिक्कत है। आंटी बाय फिर आते हैं, ठीक है? हाँ आंटी पक्का आएंगे। ये आपके होम स्टे की वीडियो बना दी है मैंने, शुभम होम स्टे करके है, कोई भी आना चाहे तो आप लोग आ सकते हैं इधर। मतलब रेट वेट आंटी ने सारा खाना पीना सब चीज़ बढ़िया था। ये साइकिल वालों की कैंपर वैन तैयार हो गई है, सारे टेंट लगभग लगभग खुल गए हैं। मेरी गाड़ी उधर है, साथ में बाइक वाले जितने भी थे वो चले गए हैं। तो चलते हैं यहाँ से, 10 बज गए हैं भोलेनाथ का नाम लेके। बहुत औसम जगह यार, एक बार आओ ज़रूर। रास्ता ख़राब है अगर आप लोग को ऑफ रोडिंग करनी है, आप आओ, वरना यहाँ कैंपर वैन चलती है उसमें आओ, बरसात में मत आना बस। असली परीक्षा शुरू होगी आज हमारी। हम लोग हैं गुंजी के बाद गरब्यांग गांव में, ये छोटा सा होम स्टे, यहाँ गरब्याल रहते हैं, गरब्यांग की गरब्यांग। आंटी खाना तो बहुत अच्छा बना रही है, बट हम लोग हो रहे हैं लेट। राई की सब्जी बना रहे हो ना, राई की दाल? और भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ के जो गांव है ऊपर को है ना, अच्छा इसके बाद क्या आएगा? अच्छा ये गांव है ना, इसके बाद आएगा छियालेक, फिर आएगा बूंदी, फिर धारचूला पहुँच ही जाते हैं तवा खाट के बाद। तो आने पड़ते हैं जगह जगह पर, गाड़ी पर यहाँ पर फंसती है, अटक जाती है बस जी में। पीछे से आर्मी वाले आ रहे हैं, बट उससे पहले हम निकाल लेंगे। छियालेक के आसपास चल रहा है काम, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है हम लोगों ने। ये पहाड़ जो आप देख रहे हो ना, ये घूमते 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 कहाँ तक जाने वाला पता है? वहाँ मुझे जाने में भी डर लग रही है। ये पूरा घूमते घूमते ये राउंड 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 पूरा नीचे जाना है, और इतने लोग लगे हुए हैं काम में, अगर एक गाड़ी गई यहाँ से ना मतलब ही नहीं होता बचने का। भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो यार। यहाँ 4x4 चल रही है, लेकिन बहुत रिस्क है यार सच में। देखो यहाँ मोड़ है, मतलब पहले ट्रक इधर आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे को जा रहा है। हर गाड़ी ऐसा ही कर रही है, जब इधर आ रही है डायरेक्ट नहीं मोड़ पा रही है, पहले इधर फिर बैक फिर ऐसे। ये गाड़ी के हाल देखो मेरे, काफ़ी तगड़ा खर्चा आने वाला है इसके मेंटेनेंस में। पीछे का इंडिकेटर भी गया यार ये इधर वाला, बाकी ठीक है सही हालत में। ये बेचारे भी यार इतनी हाइट में काम कर रहे हैं, देखो लगे हुए हैं, ताकि हमें अच्छी रोड मिल पाए, गांव वालों को फैसिलिटी मिल पाए। अपना पूरा घर बार छोड़ के बेचारे 500 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहे हैं यार। अभी हम लोग पहुँचे हैं बूंदी विलेज। बूंदी में यार बड़ी दिक्कत हो गई थी, गाड़ी आवाज़ कर रही थी, तो इन्होंने थोड़ा सा इंजन ऑयल दिया तो चेन स्मूथ हो गई उसकी। अभी और अंडा भुर्जी बना रहे हैं, हमें खिला रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। ये इनका किचन है, यहाँ ये रहने का भी होगा ना, आपका होम स्टे भी होगा ना?
होम स्टे तो नहीं है लेकिन है रहने रहने नहीं की, जैसे कोई अटक गया तो हाँ वो व्यवस्था है पूरा। तो यहाँ रुक सकते हैं आप लोग, बाकी खाना आने के लिए रुकते होंगे, खाना पीना सोना। अच्छा चलो बढ़िया। और ये भाई हमारे ये भी पिथौरागढ़ से हैं यार, इन्होंने भी हेल्प करी गाड़ी में इंजन ऑयल डालने में, थैंक यू यार। ऑपरेटर ही है। हाँ ये तो जेसीबी वाले हैं हमारे, हमने सोचा खाना भी खा लें यहाँ। यार ये जो सीट बनी है ये भीड़ की बनी हुई है, देखो ये बहुत बढ़िया होती है, कम्फर्टेबल। ये लगा है दाल चावल करेले की सब्जी, ठीक हो रहा है खाने में, टेस्टी हो रहा है बहुत। यार मेरी बाइक उधर खड़ी है, गाड़ी फंसी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी निकाल लूँ, इतना छोटा सा रास्ता है, थोड़ा रिस्क है बट कोशिश करते निकालने की। कोई नहीं देखते अभी भाई का थोड़ा आगे, थोड़ा आगे थोड़ा नीचे ना नीचे। हाँ कंपनी में सब या लामारी हो गए ना एक बंदे, उनको बोला है वो तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, रोड बंद हो गई है। इनको बोलना है ये गर्ग वाले होंगे, गर्ग वाले। अच्छा गर्ग वाले होंगे ना, आ जाएंगे ना। बाप रे देखो ना, लेकिन इसको नहीं लगेगी यार ये पत्थर आने से। अरे बाप रे पूरा पहाड़ी आने वाला है। ये जो जगह है मालपा है जी। तो एक बार यार यहाँ पूरी बस्ती गांव था पूरा, वो पूरा गांव तबाह हो गया यार, छी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कौन सा पहाड़ गिरा था ये जो ऊपर कटा हुआ हिस्सा है ना, कितने लोग बहुत लोग हुए थे ना उस समय, मतलब समथिंग इसमें 400 से। बाप रे 400 लोग पूरा। खतरनाक चीज दिख रही है मुझे, मैंने बोला यार आवाज क्या आ रही है, देखो ऊपर जो पहाड़ है ना अचानक से वहां से पत्थर गिरना स्टार्ट हो रहे हैं यार, और बहुत जोर जोर से पत्थर आ रहे हैं भाई। यार ये पूरा तार अलग हो गया यार इधर से, कौन सा होगा देखो तो, ये ब्रेक वाला तो नहीं होगा यार, मारो एक बार आगे से, आगे तो ब्रेक तो लग रहा है, बट ये है तो वहीं से जा रहा है, कौन सा होगा तार, इंडिकेटर गया ये क्या। आगे हम लोग व्यास वैली से, अगर आप लोग ये जाओगे राइट साइड को तो ये होगी आपकी दारमा वैली, जहाँ 14 गांव पड़ते हैं, और व्यास वैली में टोटल 7 गांव हैं। और अब हम सीधे तवाघाट से निकल रहे हैं धारशिला की तरफ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ के 2 छेदों से पानी निकल रहा है, और इसी पहाड़ के अंदर ही अंदर है पावर हाउस, वो जो 2 छेद दिख रहे हैं ना, टरबाइन चलती है उसके अंदर, वहाँ से निकल रहा है पानी। सो गाइज हम लोग जस्ट कहाँ पहुँचे हैं, धारचूला के पास पहुँचे हैं, बाकी हमने चेंज कर लिए कपड़े क्योंकि यार जूते सब चीज़ बहुत ख़राब हो रहे थे। तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, इसके नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को धारचूला लोकल दिखाऊंगा, और आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ नेपाल जो उस तरफ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है।